हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2023 आपके लिए गोल्डन ईयर है, ये ऐसा समझ लीजिए कि अमृत काल है ये आपके लिए भी। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सिलेक्शन फेज 11 2023 की जो सिलेक्शन पोस्ट है उनकी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ पे देखें तो डेट फॉर सबमिट 6/3/2023, यानी कि तीन जो आज की डेट है 6 तारीख, अब अभी जो है इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की, और ये 27 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं, 6 मार्च से 27 मार्च तक। और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दें। जो लोग भी इसके एलिजिबल होंगे उनकी मैं बात बताऊंगा। पेमेंट जो है वो आप 28 तारीख तक कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं अपने किसी चीज़ को, तो वो 3 और 5, यानी कि अप्रैल में आपको 3 से लेके 5 तक समय दिया जाएगा, 3 4 5, ताकि आप अपनी जो तैयारी है वो कर पाएँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका सिलेक्शन फेज का आपका आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, तो जून जुलाई में इसके एग्जामिनेशन आपके टेंटेटिव जो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन, एज तो आपकी वही है 18 से 27, ठीक है, और बाकी एज रिलैक्सेशन जो भी जो जिसको मिलता है वो अपना देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे, ये डेट्स वगैरह दी हुई हैं आपकी, है ना, और ये छूट जो है VH कैटेगरी हो या फिर उन सारी कैटेगरीज की दी हुई हो। ठीक है, एज यहाँ पे देखिए, एज यहाँ पे भी जो एज लिमिट काउंट किया गया है वो 1/1/2023 से एज लिमिट काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1/1/2023 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस और फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना ये सभी चीज़ें दी हुई हैं, है ना, और नीचे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह ये सभी फॉर्म में दी जाती हैं। ठीक है, देखिए अब एग्जामिनेशन के पैटर्न को जान लीजिए, क्योंकि इस बार आपने देखा कि सीजीएल चाहे CHSL चाहे MTS, सबके जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आए। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जून जुलाई में उसका टेंटेटिव डेट दे रखा है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी 25 क्वेश्चन इसके आपके आएंगे, जनरल अवेयरनेस इसके 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल ये भी 25 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके 25 मिलेंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपके होंगे 200 मार्क्स के। ये भी प्रीवियस ऐसा ही हो रहा था, प्री एग्जामिनेशन में ऐसे सारे हो जाए, सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे भी इससे पहले भी यही चीज़ें की जा रही थी। इस बार यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली हैं आपको। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपका लिखी हुई हैं, सिमिलर एंड डिफरेंस स्पेस विजुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारा चैप्टर जो चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। जनरल अवेयरनेस में ठीक उसी तरह दिया गया है जैसे आपका स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सीन, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो एप्टीट्यूड है उसके देखने के लिए आपको मौका है कि प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे जो है ना मेंसुरेशन है, केवल और केवल मेंसुरेशन पूछा जाएगा, जो आपका पूछा जाता है ज्योमेट्री, यानी कि जो आपका एडवांस वाला पोर्शन है वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऊपर भी लिखा गया था केवल और क्या लिखा दिया गया था, केवल बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडवांस की कोई भी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई आप इस बार सिलेक्शन पोस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अब इसमें दो दो पार्ट में एग्जामिनेशन होता है, एक तो 10 होता है और एक 10+2 लेवल, तो उन दोनों के अलग अलग सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही सेम सिलेबस अलग अलग है। 10+2 में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, यानी कि एडवांस लेवल आपको दिखेगा, लेकिन 10 वाले जो है उनमें नहीं दिखेगा। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो है, अभी एज लिमिट भी अलग अलग होती है, 10 वाले के लिए 25 साल होती है प्यारे विद्यार्थियों, 12th वालों के लिए 27 साल, और जो ग्रेजुएशन वाले लेवल हैं उनके 30 साल और 32 साल तक ये एज होती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लेवल, क्योंकि आपका सिलेक्शन पोस्ट है और पोस्ट भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें आपका अलग सिलेबस दिया गया, यानी देखने वाली बात यह है कि जो लोग भी 10th का एग्जामिनेशन दिए हैं और एज 18 साल हो चुकी है वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो लोग
ग्रेजुएशन पास हैं वो भी एग्जामिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, यानी सिलेक्शन पोस्ट में सभी लोग एलिजिबल होते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी आपको पूरा दिखा दिया, फॉर्मेट दिखा दिया कि कब क्या है और कैसे डेट, कौन कौन सा डेट आपको भरना है प्यारे विद्यार्थियों, और साथ ही में उसके क्या है जो कि आपका सब्जेक्ट में क्या है। इसमें भी देखिए आपका जो पासिंग मार्क दिया हुआ है वो आपका 30% 25% और 20% दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्यारे विद्यार्थियों अगर हम, ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं जो आपकी जानने वाली बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अब जानने लायक है, ठीक है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा और डेट्स हमने जानी कि क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं इस वैकेंसीज के बारे में, इनकी वैकेंसीज और इनके डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम लोग अगली क्लास अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है और कैसे कैसे इन 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे ये पूछा जाता है। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और साथ ही आप ये इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है प्यारे विद्यार्थियों। और आप अगर अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक अपनी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना, अनअकैडमी के सभी को जो कैटेगरी है उनके लिए ये PMYT डिस्काउंट कोड वैलिड है। तो अगले वीडियो में हम इसके डिटेल के साथ मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।